Hi guys, hello everyone, मैं हूँ नेहा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन और हेयर वॉश रूटीन. तीनों हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने हेयर केयर रूटीन में. वही सब चेंजेस जो कि मेरे लिए हेल्पफुल रहे आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ. होप ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहेगी. कुछ एक चेंजेस जो आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हो. हेयर एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो ऑल ओवर हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. हर कोई यही चाहता है कि हेयर फॉल कम हो, हेयर लंबे घने और खूबसूरत हो. वीडियो में आपके साथ वही कुछ टिप्स एंड एफर्ट्स में शेयर करूंगी. सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेयर फॉल के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है. पहला है एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट. जहाँ आप रहते हो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे हेयर के टेक्सचर के ऊपर. कई बार हेयर में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है. सो एक ये रीज़न हो सकता है. दूसरा होता है वाटर. वाटर का भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे बालों के लिए. इफ़ यू आर यूजिंग हार्ड वाटर, उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं. कई बार बॉडी को तो इफेक्ट कर ही रहा है, ऑल ओवर हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमें इतना ज़्यादा हेयरफॉल क्यों हो रहा है. सो वाटर का प्रॉपर होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप यूज़ कर सकते हो. या तो आपके यहाँ हार्ड, अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा है तो आप या तो वाटर सॉफ्टनर यूज़ कीजिए, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं आरओ का पानी. रीज़न हो सकता है हमारा फूड. हम क्या फूड इंटेक कर रहे हैं उसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे हेयर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप इंटेक करते हो वो सारी चीज़ें आपके बॉडी पे, आपके हेयर्स पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है. यस, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो मॉइस्चर क्रिएट करता है आपके स्कैल्प में, उसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे रहने लगते हैं. ज़्यादा होने की वजह से भी हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है. उसके अलावा आपके हेयर टूल्स या आपके जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मे बी जो आप यूज़ कर रहे हो, देन ऑल्सो बी हार्मफुल फॉर योर हेयर. आजकल की लाइफस्टाइल के चलते हम बहुत ही ज़्यादा हेयर डैमेजिंग टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक हम स्ट्रेटनर, कर्लर और ड्रायर. ऐसी चीज़ का यूज़ हम हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा ड्राई और डैमेज कर देती है, उसकी वजह से भी हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है. आप अगर इस तरह के टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनकी क्वांटिटी आप बहुत कम कर दीजिए. हो सके तो पहले हेयर प्रोटेक्शन का यूज़ कीजिए बिफोर यूजिंग दीज टूल्स. इसके अलावा हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल स्टाइलिंग के चलते, तरह तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स जिनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वजह से भी हेयर ब्रेकेज बहुत ज्यादा होता है. तो आप ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट यूज करें जो सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, नेचुरल चीजों से बने हो. ऐसा ही हेयर केयर प्रोडक्ट मैंने प्रेजेंटली अपने रूटीन में, हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड किया है. दिस आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू लिटिल एक्स्ट्रा कोको अनियन नेचुरल शैम्पू, जो कि आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है. दिस शैम्पू हैज सम नेचुरल क्वालिटीज जिसकी वजह से आपके हेयर्स डैमेज बिल्कुल भी नहीं होंगे. ये मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. जो हेयर ब्रेकेज आप देख सकते हो वीडियो में, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इतना हेयर ब्रेकेज मुझे वन टाइम कॉम करने पे होता था, वो हेयर ब्रेकेज काफी हद तक कम हो चुका है. ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, बिकॉज कोई भी चीजें आपके बालों में जब आप अप्लाई करते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको आपके बालों के अकॉर्डिंग सेट होने में भी टाइम लगता है. बट हम ऐसे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट जो कि हार्मफुल नहीं हो वो यूज करें अपने हेयर्स के लिए, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल या हेयर ब्रेकेजेस कम होगा. सो दिस लिटिल एक्स्ट्रा कोको अनियन नेचुरल शैम्पू फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, स्पेशली दिस इज मेड फॉर हेयर फॉल कंट्रोल. ये ओल्ड टाइप्स के हेयर के लिए सुटेबल हो, आपके बालों का टाइप्स कोई सा भी हो, ये सभी के लिए सुटेबल है. फ्रेग्रेंस फ्री है. आप इसका टेक्सचर देखोगे काफी ज्यादा लाइट एंड स्मूथ इसका टेक्सचर है, अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री है ये. नो सल्फेट, नो पैराबेन,
प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो प्लांट बेस्ड है, जिसकी वजह से आपके बालों को कोई डैमेज नहीं होगा। यस, दिस इज नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट जो आप यूज कर सकते हो अपने हेयर्स के लिए। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम मच हेयर फॉल, हेयर ब्रैकेजेस, ड्राई हेयर है आपके, तो आप ट्राई कर सकते हो लिटिल एक्स्ट्रा के हेयर केयर रेंज, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है लाइक कोकोनट मिल्क है, ओनियन ऑयल है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, रोजमेरी ऑयल है एंड अदर माइल्ड इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके हेयर्स को, आपके स्कैल्प को काफी जेंटली क्लींस करते हैं एंड ऑल्सो नरिशेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेयर फॉल, स्ट्रेथन योर फोलिकल्स, ये आपके हेयर फोलिकल्स को काफी ज्यादा मजबूत बनाते हैं, स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है एंड रिविटलाइज डल हेयर। सो जाता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट से, सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स हमें देखना चाहिए उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। प्रोडक्ट कंटेन्स प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो कि सारे के सारे हेल्प करते हैं आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, लाइक कोकोनट मिल्क, आप सभी जानते हो कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट मिल्क कितना अच्छा होता है आपके बालों के लिए, वो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। इसके अलावा अनियन ऑयल है जो कि आप जानते हो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, इसी के अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है वो भी बालों के लिए, हेल्दी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रोजमेरी ऑयल इज ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट योर हेयर ग्रोथ। वाटर कोको बेटाइन, कोको बेटाइन इज ऑल्सो अ पावरफुल इंग्रेडिएंट टू बूस्ट योर हेयर ग्रोथ फास्ट, ये काफी हद तक आपके हेयर ब्रेकेज को कम करता है और हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। इंग्रेडिएंट्स सो ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बना है ये प्रोडक्ट, तो अभी मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है। इसको यूज करने का सही तरीका क्या है अब मैं वो आपको बताती हूँ, जिसकी वजह से भी आप काफी हद तक अपने बालों को सेव कर सकते हैं। आपने इस तरह से पहले थोड़ा सा पानी लेना है मग में, उसके बाद आप शैम्पू को उसमें डाइल्यूट कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, ऑल ओवर आपने अच्छे से अपने बालों पे स्कैल्प पे अच्छे से इसको जेंटली मसाज करनी है 2 to 3 minutes। आप चाहें तो हेयर मसाजर का भी यूज़ कर सकते हैं, स्कैल्प मसाजर जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में। सो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर वॉश आपको एक बहुत अच्छा टिप्स मैं बताती हूँ, आपने अगेन वही मग में सेम मग में पानी लेना है, आपने 2 or 3 spoons जितना डालना है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर is really good for your hair health। आप उसको इस तरह से डाइल्यूट कीजिए पानी में और उस पानी को लास्ट में जब आपने साफ पानी से अपने बालों को वॉश कर लिया उसके बाद वो पानी को आपने अपने बालों पे धीरे धीरे पूरे बालों पे गिराना है, उसके अपने क्लीन वाटर से बालों को नहीं धोना है, क्योंकि आपने जो एप्पल साइडर विनेगर लगाया वो आपके बालों को हेल्दी रखेगा, उन्हें स्मेल फ्री रखेगा, हेल्प करेगा हेयर ग्रोथ में। सो ये एक बहुत अच्छा टिप्स है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा, स्पेशली मॉनसून में जब बालों में ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, ऑयली आपकी स्कैल्प हो जाती है, तब आपने इस तरह के फॉर्मूलाज अपने बालों के लिए यूज करना चाहिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, यूजफुल रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।